सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एज के व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा कि आप आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड्स को एक वीडियो फाइल सेंड करना चाहते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है, और आप इसके सोशल मीडिया में सेंड करना चाहते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, जीमेल और काफ़ी कुछ, और वहाँ पे एक लिमिटेड सेंडिंग का एक साइज रहता है जो कि 20 से 30 MB तक का होता है, मैक्सिमम वही होता है, और वहाँ पे आप आपका वीडियो फाइल को सेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो वीडियो फाइल है वो काफ़ी 100 MB, 200 MB या 1 GB तक भी एक्सटेंड करता है, तो आप उसे नहीं सेंड कर सकते। ब्लूटूथ से भी आप सेंड नहीं कर सकते। आपका जो रिलेटिव है वो काफ़ी दूर रहता है, आप उसे सोशल मीडिया के थ्रू ही सेंड करना चाहते हैं या यूट्यूब पे मेरे जैसे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा साइज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, आप एक ऐप को डाउनलोड करके उसे कम कर सकते हैं जो प्ले स्टोर में आपको लाखों मिल जाएंगे और उससे आप कम कर सकते हैं, पर वहाँ पे अगर आप उसे कॉम्प्रेस करते हैं उस वीडियो फाइल को प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके, तो आपका जो इमेज क्वालिटी होगा वो एकदम घटिया हो जाएगा, देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप आपके इस वीडियो फाइल को एक कॉम्प्रेसर से कॉम्प्रेस कर सकते हैं जिसका फुटेज एकदम वैसे का वैसा ही रहेगा और आपका कॉम्प्रेस हो जाएगा। जैसे कि 600 MB से मैंने उसे 170 MB तक करके दिखाया है, जो काफ़ी एक अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखते रहिए और कॉम्प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आज मैं रात को मेरा एक बर्थडे का स्पेशल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसे भी देखना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोमा, आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले आप आपके किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। देखिए, मैं मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली सर्च कीजिए हैंड ब्रेक। देखिए, आप हैंड ब्रेक को सर्च कर लीजिए, यहाँ से काफी एक इजी नेम है इसका, हैंड ब्रेक, और आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा हैंड ब्रेक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर। यहाँ पे आप इसको सिंपली ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एक जूस का ग्लास और एक पाइनएप्पल। देखिए, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ये इसका लोगो है। सो फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये लगभग सारे विंडोज में काम करता है। सो फ्रेंड्स, और नीचे आप इसका काफ़ी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब विंडोज के अलावा, मतलब मैक में और विंडोज में तो कर ही सकते हैं और लिनक्स में भी कर सकते हैं और वगैरह वगैरह में। सो फ्रेंड्स, आप इसको आपके अनुसार डाउनलोड कर लीजिए। ये विंडोज 7, 8.1 और 10 में काफ़ी आसानी से काम कर जाता है, और मैं इसे डाउनलोड करके रखा है मैंने इसे, सो मैं इसे डाउनलोड करके नहीं दिखाता, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए, मैं इसे डाउनलोड करके रखा है इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ये ओपन हो रहा है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए आपके अनुसार और इसे ओपन करिए। देखिए, ये खुल गया। देखिए, ये हमारा हैंड ब्रेक का पेज है। यहाँ पे आप इसको ओपन सोर्स क्लिक कीजिए आपका वीडियो फाइल ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपको फाइल और फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। सिंगल फाइल के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो, मतलब फाइल चूज करता हूँ, और मेरा एक वीडियो चूज कर लेता हूँ जो कि है 637 MB का, काफ़ी बड़ा है, पर 1.30 सेकेंड का ही है, मतलब 1.29 सेकेंड, लगभग 30 सेकेंड, और ये 637 MB का है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, देखिए ये हो गया। सो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रीसेट्स है आपके डिवाइस के अनुसार, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपका कितना HD क्वालिटी का आपका स्क्रीन है या कम क्वालिटी का है। अगर आपको YouTube में डालना है तो वो भी कर सकते हैं, फुल HD चाहिए, 4K चाहिए, नॉर्मल HD चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, या काफ़ी कुछ आपके डिवाइस के अनुसार भी आप इसे सेट कर सकते हैं। यूट्यूब में अपलोड करने के लिए 4K 2.5K या फुल HD कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे MP4 ही चूज़ कीजिए क्योंकि हमें इनसे MP4 में ही कर रहा है। आप MP4 चूज़ कर लीजिए यहाँ से सिंपली, और यहाँ पे डायमेंशंस पे चले जाइए। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार डायमेंशन इसका, और प्रीसेट्स में जाके भी चूज कर सकते हैं। मैं प्रीसेट्स में जाके चूज करता हूँ क्योंकि मुझे इसे अब यूट्यूब में ही डालना है, इसलिए मैं यूट्यूब 180p 60 फ्रेम पर सेकेंड चूज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे आ गया। और क्या आपको क्या करना है, जब भी आप क्रॉपिंग पे आते हैं, अगर ऑटोमेटिक में आपका सब टॉप लेफ्ट राइट सब 0 है तो अच्छी बात है,
या आपको कस्टम्स में जाके उसको सबको जीरो करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये ऐप आपके पूरे वीडियो को क्रॉप अपने आप ही कर देगा। सो फ्रेंड्स आप इसे क्रॉप कर लीजिए 00 और यहाँ पे आप फिल्टर्स में चले जाइए, यहाँ पे खास कुछ है नहीं, तो आप जल्दी से वीडियो में चले जाइए। वीडियो में के आने बाद आप इसका वीडियो कोडेक में आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज कर लीजिए, ये सबसे बढ़िया होता है और आप यहाँ पे इसे चूज कर सकते हैं। और FPS में आप, मैंने इसे 50 FPS पे रख रहा हूँ, मैं देखिए मैं इसे 50 में ही रख रहा हूँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ इसका मेन चीज़ है क्वालिटी। सो फ्रेंड्स ये अभी 20 पे सेट है, अगर आप इसको देखिए ये अभी 20 पे सेट है और अगर आप इसको धीरे धीरे लो करते हैं लोअर क्वालिटी, आपका क्वालिटी काफ़ी लो हो जाएगा पर साइज काफ़ी एक लो हो जाएगा। और अगर आप इसको हाई कर देते हैं उस तरफ लेके तो आपका क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो जाएगा पर आपका जो साइज होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स मेरा मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे 20 रखिए बेहतर होगा। और मैंने इसे 50 FPS रखा है और आप ऑडियो पे चले जाइए और यहाँ पे आप बिटरेट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे आप 128 कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप सबटाइटल्स पे आ जाइए, काम का चीज़ नहीं है, आप इसे करने का ज़रूरत नहीं है आपको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेव एज के जाके ब्राउज कर सकते हैं कहाँ पे आपको इसे सेव करना है, तो आप सेव कर लीजिए यहाँ पे आपको कहाँ सेव करना है। मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ कंप्रेस्ड नाम का रख के, ठीक है, मैं इसे नाम दे रहा हूँ कंप्रेस्ड और मैं इसे सेव यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, आप 5 सेकंड का सेव कर सकते हैं इसको और आप देख सकते हैं क्वालिटी कितना हुआ, ये अच्छा हुआ कि नहीं, यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं इसे आपको एनकोड करने से पहले ही। देखिए मैं इसे लाइव प्रीव्यू करता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 सेकंड का डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। और सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है आपका 5 सेकंड का प्रीव्यू, मैं आपको अभी नहीं दिखाता, आप इसे चेक कर सकते हैं, मैं इसको सिंपली अभी के लिए क्लोज करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये हो गया, लगभग आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप प्रीसेट्स में जाके आपका जो मन है वो कर सकते हैं और आप आपका कस्टम प्रीसेट भी बना सकते हैं, मतलब आपने अब तक जो सेटिंग्स किया उसको आप सेव करके एक नाम दे सकते हैं, उस कैटेगराइज कर सकते हैं और बाद में आप अनदर वीडियो को जब भी कंप्रेस करते हैं तो आप उसको इसी सेटिंग्स के मुकाबले आप इसको जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर सकते हैं और आपका टाइम इससे बचेगा। सो फ्रेंड्स आप इसको जल्दी जल्दी से जल्दी ऐड प्रीसेट पे करके आपका सेटिंग्स को सेव कर लीजिए और ये आपका नीचे के कस्टम प्रीसेट्स में चला जाएगा। सो फ्रेंड्स आप कस्टम प्रीसेट्स में देखिए यहाँ पे डेमो नाम का एक ऑप्शन आ गया जो मैंने अभी भी बनाया है और ये लगभग हो गया। तो फ्रेंड्स आपका सारा कुछ काम हो चुका है, आप स्टार्ट एनकोड कर सकते हैं, देखिए सॉरी अब एक वीडियो ऑन हो गया। सो फ्रेंड्स आप ये अब स्टार्ट एनकोड कर सकते हैं, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आप क्लिक कर दीजिए वहाँ पे, देखिए ये स्टार्ट हो गया, नीचे आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है तो आपको वेट करना होगा इसके लिए, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कितना परसेंट हुआ, कितना चल रहा है और यही सब। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चल रहा है, ये काफी एक लंबा प्रोसेस है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अच्छी तरीके से और कर सकते हैं, इसको दोबारा देखिए और अच्छे तरीके से करिए तो आपका वीडियो अच्छी तरीके कंप्रेस होगा और क्वालिटी बिल्कुल नहीं लॉस होगा। सो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा पॉज करके फिर आपको दिखाता हूँ एनकोड होने के बाद क्या होता है, कितना लॉस होता है और यही सब। देखिए यहाँ पे हमारा पहला वीडियो है, मतलब ओरिजिनल वीडियो है और कंप्रेस्ड फाइल है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो रियल वीडियो है उसका साइज 637 MB है और वो भी 1.30 सेकंड्स का ही है, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड। और यहाँ पे 170 MB का है हमारा कंप्रेस्ड फाइल और वो भी उतने टाइम का ही है। सो फ्रेंड्स अब हमारा क्वालिटी चेक होगा, मतलब मैं आपको क्वालिटी चेक करके दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल फाइल है। आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी तो अच्छा है, मतलब ये ओरिजिनल है इसलिए अच्छा तो होगा ही। मैं आपको स्किप करके दिखाता हूँ और इसको कट करता हूँ। अब हम देखेंगे हमारा कंप्रेस फाइल का कैसा क्वालिटी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेस्ड फाइल है वो भी उसी क्वालिटी का है लगभग। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्वालिटी लॉस नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सो फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कैसे आप इस हैंड ब्रेक वीडियो कॉम्प्रेसर की मदद से आपके किसी भी वीडियो के लार्ज फाइल को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं बिना उसका क्वालिटी को लूज किए हुए। सो फ्रेंड्स, आप इस हैंड ब्रेक वीडियो कॉम्प्रेसर को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपका वीडियो का साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जो ट्रांसफर और किसी भी को अपलोड करने के लिए काफ़ी रहता है, और उसका क्वालिटी भी एकदम सेम ही रहता है, किसी भी कम नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो का क्वालिटी कम होता है, आप इस वीडियो को ठीक से देखिए तो आप समझ जाएंगे पूरा कैसे करना है। और इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आज रात ठीक 12 बजे मेरा एक बर्थडे का स्पेशल एक व्लॉग या एक वीडियो ही कह सकते हैं वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। वो मेरे बर्थडे और मेरे अब तक के यूट्यूब के जर्नी के बारे में होगा, तो आप ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और यहाँ से सब्सक्राइब का बटन आना होगा, उसे भी आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर नाउ, बाय बाय।